आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। किसानों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नींबू और पपीता के पौधे लगाने के नाम पर किसानों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खातेगांव पुलिस ने पर्दाफाश किया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पाढ़ादेव के रहने वाले पूनमचंद विश्नोई एवं अन्य 5 किसानों ने उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज कराई थी कि यूपी और राजस्थान के रहने वाले कुछ लोगों ने नींबू पपीता के पौधे खेतों में लगाने एवं अन्य सुविधा के साथ अच्छी सब्सिडी देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की, जिस पर से जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। देवास मध्य प्रदेश से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, खातेगांव पुलिस के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या मामला है? पाढ़ियादेह गांव के रहने वाले पूनम चंद बिश्नोई और 5 अन्य किसानों के द्वारा ये शिकायत की गई कि कुछ यूपी और राजस्थान के लोग हैं जो नींबू और पपीता पौधे देकर और 1 एकड़ खेत में हम आपको सब्सिडी देंगे, बैरिकेटिंग कर देंगे, सबमर्सिबल पंप लगवा देंगे और जो आपकी फल होंगे उसको हम लोग अच्छे दामों में खरीद लेंगे। ये सूचना पे पुलिस थाने को दी गई। एक प्रकार से ये ठग थे जो योगेश पाठक मथुरा का रहने वाला था और देवेंद्र कुमार था और एक जगदीश बैरागी था और एक विनोद जाट था। इसमें जगदीश बैरागी और विनोद जाट को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग किसानों को 150 रुपये पौधे के नाम पर देकर और उनसे छल कपट कर रहे थे और पैसा लेकर भागने की फिराक में थे कि थाना प्रभारी को सूचना मिलने पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और योगेश पाठक और देवेंद्र कुमार की तलाश जारी है और अन्य भी जो भी लोग इसमें इस धोखाधड़ी में शामिल हैं किसानों के साथ। अभी तक लगभग 8 किसानों से 12 लाख रुपये इनने हड़पा है, उसमें विवेचना की जा रही है और जितनी भी इनने धोखाधड़ी की है उसका खुलासा आगे किया जाएगा। सर, कुछ लोगों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई जो कि मामला में खुलासा किया है, क्या है? ग्राम पाढ़ियादेह के रहने वाले पूनम चंद बिश्नोई और अन्य किसानों की शिकायत पर थाना खातेगांव में एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें नींबू और पपीता के नाम से कुछ यूपी और राजस्थान के ठग जो थे वो इनको ठगने के उद्देश्य से पौधे बेच रहे थे जिसको थाना प्रभारी उनकी टीम द्वारा पकड़ लिया गया है और इसमें हम आगे विवेचना करते हैं।